नियम का, कानून का, विधि सम्मत कार्रवाई नहीं करते हैं, उनको अनेक प्रकार के चुनौतियों का, अनेक प्रकार के मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ तबजीत सिंह। लालू परिवार की मुश्किलें है जो फिर से बढ़ गई है। लैंड फॉर जॉब मामले में रॉन रेवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया गया है, और वहीं बात करें तो इस बार तेज प्रताप यादव को भी समन है जो जारी किया गया है, और 7 अक्टूबर को पेश करने की बात कही जा रही है। इसी को लेकर जब सवाल किया गया बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से, तो बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। पर क्या कुछ करें श्रवण कुमार, पहले सुनो उनकी बातों को। तेज प्रताप यादव को समन किया और 7 अक्टूबर को लालू तेजस्वी तेज प्रताप सभी को बुलाया। देखिए, जो कानून के हिसाब से चलते हैं उनको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती है, चाहे राजनीतिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो, या फिर सरकारी स्तर पर काम कर रहे हों। लेकिन जो नियम का, कानून का, विधि सम्मत कार्रवाई नहीं करते हैं, उनको अनेक प्रकार के चुनौतियों का, अनेक प्रकार के मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए, जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं उनके लिए भी, राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में है उनके लिए भी, कि नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से काम करें तो जीवन में झंझावाद से बचाव होगा, जीवन में कुछ ऐसा कृत उनके जीवन में नहीं होगा जो आज लोग झेल रहे हैं। अच्छा, ये जम्मू कश्मीर में चुनाव होना, ये तो सवाल आप पूछ रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछिएगा, या जम्मू कश्मीर से कुछ पर्यटक आते रहते हैं बिहार में, उन स्थलों पर जाके उनका बयान लीजिएगा, तो उनके बयान से आपको सही अंदाज लगेगा कि वहाँ पर धारा 370 के बाद जो परिस्थितियाँ बनी है, वहाँ के लोगों को क्या लाभ हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, और देश को फ़ायदा हो रहा हो तो हम सब लोग देख रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों से जानिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, ये अरविंद केजरीवाल है वो इस्तीफा देती, और क्या ही लगता है क्योंकि पॉलिटिक्स के लिए? अब तो उनकी इच्छा है, उनकी पार्टी की इच्छा है, उनकी पार्टी की राय है, उनकी पार्टी का फैसला है, उसमें दूसरे लोग क्या कह सकते हैं। जो कुछ भी उनकी पार्टी का फैसला है वो अपना जो अच्छा लगा वो उसको उन्होंने लागू किया। वो कह रहे हैं कि मकसद है अरविंद केजरीवाल को फिर से, लेकिन जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया और कहा है कि दिल्ली को राबड़ी देवी मुख्यमंत्री मुबारक हो। जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया और कहा कि दिल्ली को राबड़ी देवी मुबारक हो, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में लालू यादव ने भी मुख्यमंत्री बनाया। वो हम नहीं देखा, उनका ट्वीट भी नहीं देखा, बिहार भी नहीं देखा है, देख लेंगे तो आपको अच्छा से बताएंगे। आतिशी कह रहे हैं कि मकसद रहेगा कि अरविंद केजरीवाल को फिर से मकसद मुख्यमंत्री बनाए। अब यह क्या मकसद है, नहीं मकसद है, यह बात सही है कि जब कोई कानून के पचड़े में पड़ जाता है, जब नियम और कानून के हिसाब से काम नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर जब कार्रवाई होने लगती है तो पद छोड़ना पड़ता है, पद त्याग पत्र त्यागना पड़ता है। तो जो कार्रवाई हुआ है उसके चलते मैं समझता हूँ कि उनको पद का त्याग भी करना पड़ा है और दूसरे को बनाना भी पड़ा है, लेकिन कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, कानून अपने हिसाब से काम करेगा, जो लोग दोषी होंगे न बचेंगे और जो निर्दोष होंगे वो फंसेंगे नहीं। अच्छा, ये तेजस्वी यादव अपना ये यात्रा छोड़कर बीच में ही वो दुबई में जा रहे, विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, शुभकामना दीजिए, हम भी शुभकामना देते हैं। उनको समझ में आ गया होगा कि इस यात्रा से कोई लाभ नहीं है, जब उनको मौका मिलता है काम करने का तो दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, जब मौका लगता है बिहार को संभालने का तब बिहार में एनआरकी पैदा करते हैं, मुरेठा बंधवाते हैं, अब मुरेठा भी खोलवा रहे हैं, अब टोपी लगवा रहे हैं, और टोपी के भीतर कुछ खेला होगा तो दूसरी ही बात फिर करने लगेंगे। तो हर व्यक्ति को राजनीतिक सामाजिक जीवन में और जब सरकार में आने का मौका मिले तो नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से, और जनता के साथ जो कमिटमेंट किया है उसके हिसाब से काम करना चाहिए, जैसा काम हम लोग के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जो जनता के साथ कमिटमेंट किए थे चुनाव से पहले, उसको एक एक वादा को पूरा करते हैं। और ये लोग जब सरकार में आते हैं तो जनता को भूल जाते हैं, तो यात्रा उनका फ्लॉप ही हो। आपने सुना
बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने किस तरह से कह रहे हैं कि जो कोर्ट का मामला, जो कानून की बात नहीं मानते हैं, उन्हें सजा भुगतना ही पड़ता है। कोई भी हो, राजनेता हो या कोई भी हो, उन्हें कानून की पालन करना चाहिए। इस तमाम खबर में नमस्कार।